वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं है ना हमारे पास। क्या बोलता है यार, ये बिजनेस वाला है, ये ट्रैकिंग कराता है, कैमल सफारी करा रहा है, लॉज है इनका, क्या बोलता है, होटल भी इनका है, क्या ही कहे उनका तो है, बहुत बिजनेस वाला मैन है वो। इसका है? अच्छा इसका ये है? आदमी का है। अच्छा ये नया है, ये अनपढ़ है, इसको अंगूठा लगाता है, सही नहीं है तो। फ्रेश आया, ये फ्रेश नया है ना? एकदम नया माल है वो। 15 तारीख देखो, ऐसा पूछ के लिखना पड़ता है उसको। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है हमारा श्रीनगर में day 3 और हम जा रहे हैं आज पहलगाम। और अभी जो है वो फ्रेशन अप हो चुके हैं, अभी जस्ट निकलना है। और ये हमारा रूम, एक्चुअली ये बेसिकली एक हॉल टाइप है, यहाँ से जो है वो एंट्रेंस है। ये हमारा हॉल, यहाँ पे है डाइनिंग, यहाँ पे पूरा फ्रिज वगैरह, यहाँ पे डाइनिंग, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ही किया, खाना वगैरह तो नहीं खाया। और यहाँ से है रूम के लिए एंट्रेंस, यहाँ पे दो रूम है, ये हमारा रूम है और ये एक दूसरा रूम है। हमारा रूम एक्चुअली काफ़ी मेसी है, इसलिए आपको मैं इस सेकेंड वाला रूम जो है वो बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक चेयर है, यहाँ पे मिरर एंड ऑल, ये जो है ये हीटर है, गैस हीटर है। और ये है एक अच्छा सा बेड, इस पर हम तीन लोग तो आराम से, हमारा बेड भी इतना ही है, इस पर तीन लोग आराम से सो सकते हैं। और ये हीटिंग ब्लैंकेट्स के साथ आता है यहाँ पे, क्योंकि वो मस्ट हो जाता है। हमारा रूम भी आपको दिखा देते हैं। और यहाँ पे ये है हमारा रूम, ये मेरे बैग्स ऑलरेडी, हमारे बाकी बैग्स जो है वो जा चुके हैं, ये थोड़ा सा मेस हो रखा है। और यहाँ पे हम लोग दो दिन से है वो रुके हुए हैं। ये है हमारा गैस हीटर। और यहाँ से अंदर है वॉशरूम, वॉशरूम में ये एक प्यारा सा मिरर, ये बेसिन, यहाँ पे कमोड है। और यहाँ पे अंदर इस पर्दे के पीछे आपको मिलेगा बाथटब। और यहाँ पे एक जो है ये टैप हॉट वाटर का है और ये कोल्ड वाटर का है, और सेम विथ द बाथटब, एक हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का। तो या दैट्स इट, हम लोग निकलते हैं, हमारी कैब जो है वो ऑलमोस्ट आ गई होगी, सो लेट्स को। एक्चुअली आज हमारा पहलगाम में रुकने का प्लान है, लेकिन वहाँ पे जो नॉर्मल होटल्स है वो बंद हो चुके हैं, ऐसा हमें सुनने में आया है। देखते हैं अब वहाँ जाके अगर कोई हीटिंग वाला होटल अगर मिलता है तो हम वो लेंगे, नहीं तो श्रीनगर वापस आएंगे। बाय बाय, हमारी कैब, ये है हमारी कैब। माजी बैग उभी रही कोई ये जो आप ग्रीन देख रहे हो, ये है पैम्पोरा के केसर के खेत। तो कश्मीर में जो है वो पैम्पोरा करके एक जगह है, यहाँ पे जो है पूरा केसर का खेती होता है और यहीं से पूरा केसर बनता है और यहीं से एक्सपोर्ट होता है। एक बार ये साल में इसके फूल आते हैं और यही पैम्पोरा में ही पूरा उसका जो है प्रोडक्शन होता है। तो जितना भी कश्मीर में जो है वो केसर बनता है वो पैम्पोरा से जाता है। जितना दूर तक आप देख सकते हो ये पूरा खेत उसी का है। ये अभी हमने देखा कि पीछे पूरे पैम्पोरा में जो है वो खेत थे सैफ्रॉन के। तो यहाँ से पैम्पोरा से आगे ही जो है वो पुलवामा में ही सब इनके शॉप्स वगैरह है, जिनके भी वहाँ पे खेत वगैरह है वो वहीं से प्रोडक्शन करके यहाँ पे उनके शॉप्स में जो है वो उसका सेलिंग करते हैं। तो ये हमारे पीछे रेड गोल्ड सैफ्रॉन, तो देखते हैं अंदर जाके क्या क्या वैरायटीज है, क्या है। सैफ्रॉन जो होता है ना, ये पूरे इंडिया में खाली यहीं पे होता है। सैफ्रॉन का जो रियल फ्लावर होता है ना सर, अच्छा। वो ऐसा होता है, ये 4-5 इंच का फ्लावर होता है, इसके अंदर 6 स्टैग्मा होते हैं।
तीन रेड के कलर के होते हैं और तीन येलो कलर के होते हैं। ओके। ये जो येलो के तीन और पर्पल का फूल होता है ना, ये वेस्टेज होता है, ये फेंक देते हैं, ये किसी काम का नहीं होता है। खाली जो इसमें रेड वाले तीन है, ये केसर होता है। लेकिन इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं, सैफरान प्योर है या डुप्लीकेट, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, घास के ऊपर कलर चढ़ा के बेचते हैं, धागे के ऊपर कलर चढ़ा के बेचते हैं, या बालों के ऊपर कलर चढ़ा के बेचते हैं। केसर आगे से मोटा होना चाहिए, पीछे से पतला, जस्ट लाइक ए स्नैक। अगर सेम साइज का होगा तो वो डुप्लीकेट होता है। तो ये है यहाँ के ड्राई फ्रूट्स, ये है क्रैनबेरी, ये है ब्लूबेरी, ये है ब्लैकबेरी, ये है पिस्ता, ये जो है यहाँ के बादाम होते हैं जो कि मामरा बादाम होते हैं। यहाँ से हमने लिया है केसर जो कि था ये। ये आपका नाम क्या है? मुंतजिर सर। मुंतजिर भाई, यहाँ पे आप आके इनसे प्योर अच्छी क्वालिटी का जो है वो केसर वगैरह यहाँ से आप ले सकते हो। चलिए, शुक्रिया। ओके सर। काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, अब निकलते हैं हमारी अगली जर्नी के लिए, क्योंकि पहलगाम। तो पहलगाम से पहले ही पड़ता है एप्पल वैली। तो एप्पल वैली में के पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए। यहाँ पे हमने मंगाया है हमारा ऑमलेट, ये भी यहाँ पे ऑमलेट से। अभी तो वैसे टाइम ज़्यादा हो चुका है, इट्स 12:23। लेकिन हम लोग जो ड्राई फ्रूट की शॉप में गए थे, वहाँ पर टेस्टिंग के नाम पे बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो है वो खा लिए थे, इसलिए भूख जो है वो चली गई थी। तो इसलिए हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आगे जाने के बाद पहलगाम में जाके अच्छे से लंच करना। ए क्या होना मोबाइल मांगना पड़ेगा, वो ब्रेकफास्ट जो है वो अच्छे से हो गए। अब निकलते हैं एप्पल वैली। और यहाँ पे आप देख सकते हो इन पेड़ों पे जो है वो एप्पल्स जो है वो लगे हुए हैं। ये पूरा जो है एप्पल वैली है। यहाँ पे आपको फ्रेश जो है वो एप्पल जूस भी मिलता है, हमने जस्ट ट्राई किया, मतलब विदाउट शुगर है, लेकिन एप्पल का टेस्ट ही इतना बढ़िया है कि इतना मस्त लगता है वो जूस। आप मस्ट ट्राई कीजिए यहाँ आने के बाद वो जूस। 50 रुपीज़ पर ग्लास देते हैं, जो कि थोड़ा सा महंगा लगता है, बट वर्थ है। तो और यहाँ पे एप्पल भी आप ख़रीद सकते हो, जो कि अभी 100 रुपीज़ केजी से यहाँ वो सेल कर रहे हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए पहलगाम, और यहाँ पे हम लोग जो है अब घोड़ा ले रहे हैं। उधर कोई एक नहीं जाना, ये तीन घोड़ा पर बैठना, ठीक है? अगर उधर उधर बैठेगा फिर ये नहीं बोलना कि आपने नहीं बोला। एक उधर जाओ, आप जाओ उधर चूसी। ऊपर जो पहाड़ है इसमें हुआ था ना पेड़, आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी जंगल है। ये बजरंगी भाईजान में जो लास्ट का सीन है, जब सलमान खान मुन्नी को लेके जो जंगल से भागता है और उसको गोली लग जाती है, तो वो सीन जो है वो यहाँ पे शूट हुआ है। तो ये विनायक का घोड़ा है, इसका नाम है पुष्पा। ये जो मेरा घोड़ा है इसका नाम है चुंडी, और ये है स्वराज। स्वराज के घोड़े का नाम है चेतक, चेतक नाम।